हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है जिसमें हमारा अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इन दो प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या दिया गया है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो आपको साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न को देखते हैं किस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा दे दिया है कि एक त्रिभुज बनाना है जिसमें क्यू समकोण बनाना है, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया, यहाँ पर हमने क्यू लिख दिया। अब हम पी और आर को कहीं भी लिख सकते हैं, केवल क्यू हमें ध्यान देना है, 90 अंश होना चाहिए। अब यहाँ आ जाएंगे हल, तो हल में हमें क्या मिलेगा, पहला नंबर तो एक दिया गया है समीकरण, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। दूसरा एक मान और दे दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, इसको हम एक और इसको दो बना लेंगे। अगर हम बात करें इस त्रिभुज की, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे तो हमारा एक पी आर कर्ण बनेगा, एक लंब बनेगा, एक आधार बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर, पहले हम पी क्यू रख देंगे, तो पी से लेकर क्यू तक 5 है, तो यहाँ हमने 5 रख दिया। अब बाकी दो मान हमें बच गए हैं, एक पी आर बचा है और एक क्यू आर बचा है। तो अगर हम बात करें तो ये कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है, तो हमारा कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का जो स्क्वायर बनेगा वह कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बनेगा, यानी हमें मिलेगा पी आर स्क्वायर माइनस, अर्थात कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, और ये बराबर होता है आधार का स्क्वायर। तो अगर हम कर्ण देखें तो यहाँ पी आर है और लंब हमारा क्यू आर है और आधार हमारा पी क्यू है, तो पी आर हमें नहीं मालूम, क्यू आर हमें नहीं मालूम, लेकिन पी क्यू का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर हल करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का सूत्र है, तो एक ब्रैकेट में पी आर प्लस क्यू आर बन जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर बन जाएगा, और ये बराबर हमारा 25 दिया गया है। अब पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, इसके स्थान पर हम 25 रख देंगे, बाकी ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर और ये बराबर 25 आपका रहेगा। 25 का गुणा है भाग बनेगा, तो पी आर माइनस क्यू आर ये बराबर बन जाएगा 25/25 और भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास एक समीकरण और मिल गया, पी आर माइनस क्यू आर और ये बराबर 1 बन गया, इसको हम समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। एक हमारे पास समीकरण है पी आर प्लस क्यू आर और ये बराबर दिया गया है 25, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, पी आर और पी आर मिलके 2 पी आर बन जाएगा और 25 एक 26 होगा, 2 का भाग दे देंगे तो पी आर बराबर 26/2 यानी काटेंगे तो 13 मिल जाएगा। अगर हम बात करें पी से लेकर आर तक, तो ये 13 बन गया। अब अगर हम बात करें दूसरा मान निकालने की समीकरण 1 से अथवा 2 से, तो हम आ जाते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है पी आर, पी आर का मान हमें मिला 13 प्लस 13 बना, सॉरी समीकरण 1 से, तो बना पी आर प्लस क्यू आर और ये बराबर 25 था, तो हमने पाया पी आर का मान 13 था प्लस क्यू आर और बराबर 25 मिला, तो 13 ले जाके घटा देंगे, क्यू आर बराबर मिल जाएगा हमें 25-13 यानी 12 बन जाएगा। तो ये मान हमें 12 मिल गया। अब हमें तीन मान निकालने हैं, अब तीनों को हम हल करेंगे और मान निकालेंगे। तो पहला मान हमारा दिया गया है क्या कि साइन पी, तो साइन पी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण हो गया, क्योंकि हम कोण पी ले रहे हैं, इसके सामने की भुजा लंब 12 हो जाएगी और कर्ण का मान 13 बन जाएगा, तो एक आंसर ये बन जाएगा। दूसरा इसी तरह से कास
पी निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार और बटे कर्ण होगा, जो कि कोण के सामने की भुजाएं लंब है, ये आधार है और ये हमारा कर्ण बना। तो आधार का मान हमें 5 मिला और कर्ण का मान हमें 13 मिला, दूसरा आंसर ये बन जाएगा। एक और आपसे पूछा गया है इसमें, और वो मान क्या है, दिया है टैन पी, तो टैन पी टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमें मिला है यहाँ 12, आधार का मान 5 है, तो ये बन जाएगा 12/5, ये हमारा तीसरा आंसर बन जाएगा। इस तरह से सबसे पहले हम जो एक समीकरण दिया गया था, दूसरा मान दिया गया था कि वो समकोण था, इससे त्रिभुज बनाए और पाइथागोरस प्रमेय से एक समीकरण और प्राप्त किए, समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण 1 था और यहाँ जो 1 मिला ये 2 था, इसको हमने 3 बना लिया। दोनों समीकरण हल करके हमने तीनों भुजाओं का मान निकाल लिया, फिर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण और टैन बराबर लंब बटे आधार से हमने तीनों मान ज्ञात कर लिए हैं। यदि आप सूत्र को न जानते हों तो आप चैनल में जा कर के इसमें एक ही वीडियो में टोटल साइन कॉस टैन कॉस से कॉसेक सभी सूत्रों को बताया गया है, उसे आप देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं 10 के बाद, अगला नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न बनेगा वह 11 नंबर। 11 क्या दिया है, कराए बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्या दे दिया है कि टैन का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अगर हम बात करें टैन थीटा की, तो टैन 0 का मान, क्योंकि साइन 0 बटे कॉस 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए 0 होता है। और अगर हम टैन 90 की बात करें तो टैन 90 का जो मान होता है यह हमारा, यानी साइन 90 बटे कॉस 90, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0 और इसका मान इनफाइनाइट होता है, इसके मान माइनस में भी होते हैं। तो इसने कहा टैन का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन हम देख रहे हैं 1 से ज़्यादा भी होता है, इसलिए पहला जो कथन है असत्य है। कारण क्या लिखेंगे कि चूंकि टैन का मान माइनस तथा प्लस अर्थात माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में होता है, इसलिए यह कथन हमारा असत्य हो गया। अब अगर हम बात करें नंबर 1 के बाद, यानी 11 के नंबर 2 की बात करें, तो नंबर 2 देख क्या दिया है, कोण एके के सीमान के लिए सेक 12/5। तो कह रहे हैं कि हमें जानना है का माने सेक का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो अगर हम बात करें तो कॉस 0 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0 होता है, और अगर बात करें सेक का, तो सेक अगर हम निकालेंगे तो सेक 0 का मान हमें मिल जाएगा हाँ 1/1 यानी 1 होगा, और अगर हम सेक 90 ले लेंगे तो 1/cos90 1/0 यानी इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी ये माइनस से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में होता है। और सेक का मान चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ भाग देंगे 5 × 2 = 10 2/5 यानी 1 से ज़्यादा है, तो ये भी मान इसका सत्य है, माने हो सकता है, तो यह कथन हमारा सत्य मिलेगा। केवल साइन और कॉस ये दोनों मान ऐसे होते हैं जिनका मान -1 और +1 के बीच में होता है, इसका भी मान -1 और +1 के बीच में होता है, बाकी सब के मान जो होते हैं वह प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में होते हैं। तो सेक का मान 1 से बड़ा है और चूंकि ये इनफाइनाइट तक होता है, इसका मतलब ये सत्य है। अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 क्या दिया है, कॉस ए को कोण ए के तथा कॉस जंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यानी इसमें हम देखेंगे अगर ये, तो ये हमारा यहाँ पर दिया गया है कॉस, तो कॉस यहाँ पर मान दिया गया है, इसका मतलब है कि चूंकि ये कॉस यहाँ है और कॉस ए का ही मान है, तो आपको बताना है कि ये हमारा कमेंट सेक्शन में ये कथन सत्य है अथवा असत्य है, क्योंकि इसका संक्षिप्त रूप ये है कि नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कथन सत्य है अथवा असत्य। तो नंबर 3 के बाद हम आ जाते हैं नंबर 4 पर। तो ये कह रहा है कि काट ए काट और ए का गुणनफल है, तो हमारा जो काट ए होता है इसको हम काट गुणे ए नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब कि काट ए काट और ए का गुणनफल नहीं है, तो यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे असत्य, क्योंकि
काट ए काट और ए का कोण ए का गुणनफल नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी ये 5 नंबर है, यहाँ हम स्प्रिंट हो गया है। कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 4/5। अगर हम बात करें तो साइन और कास दोनों के मान -1 से +1 के बीच में होते हैं। साइन का मान भी -1 से लेकर +1 तक और कास का मान भी -1 से +1 के बीच में होता है। अगर इसका हम भाग दे दें तो 3 × 1 = 3, 1 सही 1/3 आ गया और यह मान 1 से बड़ा हो गया। यानी हमें मिला क्या कि ये मान जो 1 सही 1/3 है ये बड़ा है 1 से, और चूंकि 1 से छोटा और -1 से बड़ा इसी के बीच में होता है तो ये बन जाएगा असत्य। तो हम लिखेंगे इसमें असत्य, क्योंकि साइन थीटा का मान -1 और +1 के बीच में होता है। अगला जाएंगे तो नंबर नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट ये वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।